हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। यानी हमारे पास कुछ इक्वेशन दी हुई होंगी, हमारे पास उसमें से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब इसको हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेल जेड, क्योंकि टू वेरिएबल है हमारे पास, तो टू एक्स के करस्पॉन्डिंग भी डिफरेंशियल करेंगे और वाई के करस्पॉन्डिंग। और चूंकि हमारे पास ए बी जो है दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो जो इसी तो कितने टाइम डिफरेंशिएट होगा, ये टू टाइम से ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ये हो गया हमारे पास ए, अगर ऐसे देखें डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ए, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो इसका तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, ये भी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो हमारे पास ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो सिंपली बी, ये हो गया। अब ए और बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास आ चुका है जेड बराबर ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई। फ्रेंड्स, हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स को कई बार पी कहते हैं, तो ए पी प्लस बी क्यू, और इसको हम क्यू कहते हैं, प्लस पी क्यू, यानी जेड बराबर, ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास ये था, जेड बराबर ए पी प्लस बी क्यू प्लस पी क्यू। तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जिससे कि हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, पर कई बार हमारे पास ये एलिमिनेट डायरेक्टली नहीं होते, हमें उसके लिए कुछ ट्रिक्स लगानी होती है, हमें रीअरेंज करना होता है कई बार इनको। तो जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड वाई स्क्वायर प्लस बी, ये है हमारे पास। तो हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, इसको हम एलिमिनेट करना है ए और बी को। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर निकाला तो हमारे पास ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, इसके करेंगे तो इसका टू एक्स हो जाएगा। और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो हमारे पास ये एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए ये हमारे पास, और ये हो जाएगा टू वाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड, बट यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं आ रही। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से देखें तो ए और बी की वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम देखें तो वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, इसको हम पी दे रहे हैं पी, और ये क्यू, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू से, इक्वल टू तो पी अपॉन टू एक्स, और यहां से अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर क्यू अपॉन टू वाई, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया जेड बराबर पी अपॉन टू एक्स एंड क्यू अपॉन टू वाई, या इसको लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन फोर एक्स वाई, यानी जेड बराबर पी क्यू अपॉन फोर एक्स वाई, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स से। तो इस तरह से यहां से हमने जनरेट कर जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसे हम और भी एग्जांपल लेंगे, अभी
फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर वन। तो इसमें से हमें क्या करना है, ए बी और सी को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या तो हमारे पास है टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर और ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा प्लस और जेड का पूरा फंक्शन माना जाता है। फ्रेंड्स जेड को हम फंक्शन मानते हैं, जेड बराबर एफ एक्स वाई मान के लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास यहां से हो गया, तो इसको तो हम डिफरेंशिएट इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करा सकते। तो इसको हमें करना होगा वन अपॉन सी स्क्वायर टू जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया इक्वल टू जीरो। या इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर पी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर वन दे दिया इसको हमने। सेकेंड हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से टू वाई अपॉन बी स्क्वायर, वाई की करस्पॉन्डिंग करेंगे तो टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन और यहाँ पर टू जेड आएगा और ये डेल वाई इक्वल टू जीरो। यहां से हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जीरो। अब फिर अगर हमारे पास यहाँ यहीं से कहीं यहीं से अगर हमें पी और पी क्यू के टर्म में ये एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एलिमिनेट होगा नहीं क्योंकि दो ही हमारे पास ये इक्वेशन आई है और हमारे पास तीन इसमें आर्बिट्री वेरिएबल है तो हमें और भी इसमें डिफ्रेंशिएट करने होंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर वन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या तो हमारे पास आ गया, तो यहां से क्योंकि हमारे पास वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन ए स्क्वायर तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के लिए प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले जेड अपॉन सी स्क्वायर को छोड़ा तो ये होगा पी का पी यानी ये हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो ये होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस। अब इस बार हमने इसको छोड़ के इस टर्म का यानी जेड अपॉन सी स्क्वायर का किया तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स को छोड़ा और वन अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा जेड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो वन अपॉन ए स्क्वायर की जगह हमारे पास यहाँ पे यहां से हम लिख सकते हैं वन स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और अगर फिर से हम इसको क्या करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ यहीं से अगर हम करें सी स्क्वायर का दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू जीरो है तो ये जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे पास। अब फिर यहां से अगर हम देखें यहां से भी देख सकते हैं हाँ यहां से अगर यहां से अगर हम देखना चाहें इस इक्वेशन से तो इस इक्वेशन में अगर हम सी स्क्वायर कॉमन लें यहां से अगर इसको हम चेंज करना चाहें थोड़ा ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर पी इक्वल टू जीरो था तो इसको हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर पी और ये सी स्क्वायर को इधर ले आए तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड अपॉन ए सॉरी माइनस जेड अपॉन एक्स। फ्रेंड्स अगर हम यहां से देखें तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर पी या यहां से सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं
तो सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस जेड अपॉन एक्स पी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन पर पुट करते हैं तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह माइनस जेड अपॉन एक्स पी प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो इसका होल स्क्वायर। फिर से अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशन में इसमें कहीं भी हमारे पास पी क्यू या ए बी सी डी कहीं नहीं है, ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन हमारे पास इसका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक नहीं है क्योंकि हमने एक ये टर्म यूज की थी। अगर इस टर्म का अगर हम सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे उसमें, तो ये अलग डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जो कि पी की जगह क्यू को लिए होगी। यानी इस सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है, इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन है जेड बराबर एक्स प्लस एक्स ए प्लस सी, ये तो इससे काफी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये नहीं है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो और ए इस तरह से, और भी अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई की करेस्पॉन्डिंग करेंगे तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा अगर वाई है इसमें, तो इस तरह से इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि जो भी उसमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस तरह ये इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें यूनिकनेस की हम बात करते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जहाँ पे हम यूनिकनेस की बात करेंगे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, क्योंकि उस यूनिकनेस में टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दी हुई होती है कि उसके अंदर अगर कोई काम करेगा इक्वेशन होगी तो वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। वैसे अगर आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नाइन फोर सिक्स जीरो सिक्स एट नाइन सेवन सिक्स वन, या फिर व्हाट्सएप है, इस पर कॉल नहीं करना है। और मेरी मेल आई डी है hitesh@gmail.com। तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे मेल कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।